संविधान रहेगा तो हम सब लोहार कुहार भर पासी चमार मौरिया मल्ला केवट बिंधरकार यादव खड़ी सुनार का अधिकार रह जाएगा, नहीं जैसे संविधान नष्ट होगा जैसे पहले रहे वैसे फिर हो जाएंगे। बोलने संविधान कैसे खतरे में क्यों नहीं है? संविधान मनमानी काम हो रहा, दरोगा के सामने गोली मार दी जा रही है, खतरे में नहीं है संविधान? अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वही वो करना मेंटेन कर रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो बनाए हो, कोई यूनिवर्सिटी बता दीजिए, भैया यूनिवर्सिटी बता दीजिए। सर इसमें एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है कि हम 400 के पार पाएंगे तो संविधान को नष्ट कर दें। बाबे प्रभु जी, जिस संविधान के बल पर आप संसद में पहुंचे हो और आप ही के सांसद विधायक कहता 400 के पार पाएंगे तो संविधान नष्ट कर देंगे बदल देंगे, ऐसी पार्टी को हम वोट देंगे? साथियों नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडस्ट्री टीवी। हम इस समय जौनपुर शहर में सुबह हम लोग यहाँ आए हैं। ये फूल मंडी है, मंडी है यहाँ पे, फूल वगैरह आप देख रहे होंगे। ये फूल मंडी यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने कहा लाओ लोगों से बात करें, जाने कि लोगों का क्या मूड है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है फूल मंडी में लगभग पूरे जनपद के लोग आते होंगे दर दर के, तो सभी लोग एक साथ यहाँ मिल जाएंगे तो हम बात करते हैं लोगों से। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है जी, क्या कुछ मुद्दे हैं जौनपुर के, किन मुद्दों से आप चुनाव में जाएंगे, क्या समस्या है जौनपुर की? जौनपुर का समस्या यही है सर कि जो है हमारा संविधान जो है खतरे में है। जौनपुर समस्या संविधान का नहीं, पूरा खतरे में है। मोदी सरकार का अभी तक हम लोग वोट देते आए हैं लेकिन जो वादा किए थे उस पे जो है वो मुकर नहीं, मतलब मुकर गए उससे। अच्छा। इसलिए हम लोगों का इस बार एनडीए गठबंधन को वोट देना चाह रहे हैं। एनडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को वोट देना चाह रहे हैं। और संविधान खतरे में, संविधान बचाना, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र बचाना है, इसीलिए हम लोग। आपको कैसे लग रहा है कि संविधान खतरे में? लोग बोल रहे हैं संविधान कैसे खतरे में क्यों नहीं है? संविधान मनमानी काम हो रहा, कानून के थ्रू काम नहीं हो रहा, पुलिस चौकी में जो है उनके दरोगा के सामने गोली मार दी जा रही है, खतरे में नहीं है संविधान? जो चाहे मनमानी हो रहा है, मतलब यही संविधान है और कौन सा संविधान है? मतलब कानून नहीं है सर, कानून का मतलब जीरो है, जीरो है, कानून का पालन नहीं। जब ऐसे ऐसे लोगों को हो जा रहा तो हम लोग तो आम आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे संविधान? अरे जौनपुर एक जो बहुत ही हॉट सीट हो गई है, कहो यहाँ बाहुबलियों का कहा जाता है कि जौनपुर में बाहुबल है, तो किस तरह दिखते हैं जी? यहाँ तो त्रिकोणीय समीकरण है लेकिन हम लोग जो है यही इंडिया गठबंधन को लाइक कर रहे हैं, उन लोगों को वोट देंगे हम लोग। अच्छा। क्या नाम भाई साहब, आप कहाँ से आए? सर मैं जमुआई से आया हूँ, मेरा नाम सुरजीत कुमार बिंद है। अच्छा, तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या मूड है आप लोगों? सर बीजेपी को ही मूड है। अच्छा, बीजेपी को? हाँ जी। सर जी कह रहे थे कि बीजेपी संविधान खत्म करे, लोकतंत्र खत्म कर रही। कैसे खत्म कर रही है सर ये बताइए आप? इतना विकास कर रही है बताइए आप? विकास बता दीजिए सर, रोड से लेकर नाली तक हर चीज में विकास देख लीजिए आप। अच्छा। यूनिवर्सिटी देख लीजिए, अपने बगल में स्कूल कॉलेज देख लीजिए, हर क्षेत्र में बीजेपी आगे है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं जौनपुर में घूम रहा हूँ तो मैंने देखा था वहाँ पे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज है जो बराबर से मेडिकल कॉलेज अभी बना नहीं है, 2005 से लगभग 12 साल पहले उसका शिलान्यास हुआ था, अभी तो पूरा नहीं हुआ। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा था कि अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छे प्रोफेसर नहीं है, अच्छे टीम नहीं है यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है? देखिए सर, जितने लोग हैं उतने लोगों की मत होती है, ये मेरी पर्सनल राय है सर, सबका विचार अलग अलग होता है सर। हाँ सर, ये नहीं तो जो मेडिकल कॉलेज वो नहीं बन पाया अब तक, उसके लिए सर बन रहा है, कार्य चल रहा है, ये तो 12 साल से अभी तक दो बार उद्घाटन हो चुका, अभी तो नहीं बन पाया 12 साल सर, कार्य प्रगति पे है सर। अच्छा। ये तो नहीं है कि नहीं चल रहा है, इलाज भी चल रहा है लोगों का बिना इंस्ट्रूमेंट के, उसमें इलाज चलता है, चल जाएगा, हो जाएगा लोगों। हाँ सर चल रहा है, मैं खुद इलाज करवा के आया हूँ सर वहाँ पे। चलिए ठीक है, आप खुद इलाज करवा? हाँ जी सर। क्या इलाज करवा के? सर मुझे प्रॉब्लम थी सर, सीने में चोट लगी थी, उसका इलाज करवा गया, ठीक हो गया सर। शुगर की प्रॉब्लम थी सर, उसकी दवा चल रही है, वहीं से कंट्रोल है सर। जिस चीज की सर लाभ ले चुका हूँ सर, उसकी कैसे बुराई करूँ? क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे जी आप? जौनपुर से ही हैं? या जौनपुर से हूँ, मैं सिपा जातकपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। इस बार देखिए बीजेपी का जुमलेबाजी नहीं चल पाएगा। अच्छा। क्योंकि इसके पहले बीजेपी के अमित शाह जी ने बोला था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। अरे 15 लाख छोड़ दी ना, वो तो आनी बात नहीं, बात मेरी बात सुनिए, 15-15 लाख रुपए आएंगे। बाद में जब इंटरव्यू उनसे लिया गया तो वो बोले कि चुनाव में जुमलेबाजी हम लोग बोलते हैं, बोले थे नहीं बोले थे, चुनाव में जुमलेबाजी बोलते हैं, इसलिए बीजेपी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात किए थे, 10 साल हो गए, पूछे कितने नौकरी दिए हैं वो, नौकरी नहीं दिए, नौकरी कहाँ मिला? 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे, वो 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख ले, हमको लगता नहीं है 1 लाख नौकरी भी दिए होंगे। जो भी नौकरी दिए थे वो क्या नाम, जीएसटी लॉकडाउन जो लगाए
कमल है वो 2 करोड़ हर साल नौकरी हटा रहे हैं। अच्छा, कह रहे थे कि रोड अच्छे बनाए हैं, यूनिवर्सिटी अच्छी बनाई है, कॉलेज अच्छे बनाए हैं। अरे भैया वो रोड क्यों, मतलब कहाँ अच्छे बनाए, वो अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वही वो करना मेंटेन कर रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो बनाए हो, बता दी भैया यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी बता दी भैया यूनिवर्सिटी बता दीजिए। अरे समय नाम तो याद नहीं है, ये सर कह रहे हैं कि रोड नहीं बना है, अगर रोड बना है तभी तो विकास हो रहा है। भैया जौनपुर से तो मैं भी गुजर रहा हूँ, जौनपुर से तो मैं भी गुजर रहा हूँ, देख रहा हूँ। खैर आपकी अपनी राय है। जो सर 35 साल से जो रोड नहीं बना, आज 10 दिन से वो काम चालू है सर, मैं उसकी तारीफ करूंगा ना। 10 दिन से काम चालू है? हाँ सर बिल्कुल चालू है, हमारे गांव की तरफ से। भैया इसीलिए कह रहे हैं 10 दिन से चालू है, उसके पहले चालू नहीं था, चुनाव के समय चालू है, चुनाव आया है तभी चालू हुआ है। और कहाँ पे चालू है ये बता दीजिए हमको। आइए सर, उतार दिए हेलमेट, उतार दिए। नहीं नहीं, आपने जो बात आप इन लोगों ने कह रहे हैं, आप एक मैं देखिए न किसी के तरफ से हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे सांसद ने, हमारे जौनपुर के 3 सांसद के अलावा कोई भी सांसद अगर कहा जाए तो इस पर हम नहीं मानते। पहला स्वामी चिन्मयानंद जो जौनपुर में काम किए हैं, वैसा व्यक्ति आज तक कोई आया नहीं, बात समझे, उन्हीं का देन है। जो जितना भी कार्य है, वीर बहादुर सिंह आज यूनिवर्सिटी जो दिए हैं पूर्वांचल में, हमारे मंत्री थे उत्तर प्रदेश का, जो कार्य किए हैं उस कार्य का हम आज अवगत करते हैं। और बेटा तुम लोगों को पैदा के पहले मैं बता रहा हूं, कुछ कार्य ऐसे जो हमारे सांसद ने किए हैं वो हमारे सामने है, और आज मैं देख रहा हूँ रोड पर मैं चल रहा हूँ, वो रोड जो है ऐसा खंगर था, उस खंगर रोड पर हम लोग चल रहे थे कि आज जो है वह रोड जो है आज भी सही है, और कहीं कहीं के रोड जो है और भी आज बना रहे हैं, इस पर हम आपको बधाई दे रहे हैं। लेकिन आज के सांसद हमारे जो मिल रहे हैं जितने लोग, अभी तक कोई कार्य करने के लिए अवगत नहीं हुए, तो वोट दे के भेजते तो आप ही लोग हो ना, बस यही बात आकर के फंसता है। तो अभी कौन 3 प्रत्याशी है जो मैदान में है, जो लगभग टक्कर में, कौन बढ़िया आपके लिए? अभी हम किसी को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लिए जमीनी नेता हमको कोई नहीं मिला। अच्छा। हमारे बच्चों के सामने कोई नहीं मिला, ना हम देख रहे हैं। अगर हमारे बच्चों के सामने मिलते, अगर कंधे से कंधे मिला करके चल दे तो हम मान लेते कि हमारा नेता बहुत सही है। अभी कोई कहा कि कोई सांसद अच्छा कोई नहीं, अभी तक चिन्मयानंद जी का नाम गिना दिया, वीर बहादुर जी गिना दिया, किस तरह देखते हैं भाई? इनकी पसंद होगी। अच्छा, ये इनकी पसंद है? हाँ इनकी पसंद होगी। चिन्मयानंद जेल में पड़े हैं, इस पे भी कुछ बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था ना। देश का संविधान ना होता जो उन्होंने किया, वो मंदिरों में देवदासियों ने के साथ होता था, इस पे तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। जेल में है चिन्मयानंद जी, बताइए उसके विशेष पर हम नहीं कह रहे हैं, हम जो काम देखे हैं, कौन से काम प्रत्येक में हमारे जो जौनपुर में किए हैं, हम उस चीज पर बोल रहे हैं। वो जेल में है, जैसी गंदगी करने में हम गंदगी करेंगे तो हम भी जेल में रहेंगे। जो वैसा कर्तव्य हम अच्छाई करेंगे, अगर कंधे से कंधे मिलकर के बच्चों को चलेंगे, हम अच्छाई देंगे, दूध में अगर पानी मिलाएंगे तो दूध अलग हो जाएगा, खोआ अलग हो जाएगा। तो उस तरह आप जो है ध्यान में रखिए कि जो भी हो, और हमारे जो है जिस बच्चों के साथ में कार्य करेगा उसका अच्छाई मिलेगा। जेल में है उनका कोई दंड है, उसका दंड का परिणाम उनके सामने है। और आगे पूछना चाहे तो अच्छे आदमी होते हैं तो एक मिनट भाऊ जी, प्रभु जी, अच्छे आदमी होते तो जांच के समय कह देते कि हाँ हमसे ये अपराध हुआ, क्यों जांच को छुपा रहे थे? अच्छे और सच्चे आदमी को पहचान ही है कि उसके जीवन में जो घटना हुई उसको स्वीकार करे। जांच में पकड़ा गया कि वो अपराधी, अदालत ने सजा दिया, अच्छे आदमी की पहचान है सच बोल जाए, गलती हुई मानना चाहिए ना। अगर नहीं माना उन्होंने, जांच में आए। बहरहाल तो आप वर्तमान में कौन प्रत्याशी बढ़िया है आपको? 3 प्रत्याशी लोग मैदान में, बीजेपी सर, सर पूरा भारत में चुनाव अच्छे कैंडिडेट बुरे कैंडिडेट के बीच में अब तक हुआ ही नहीं। अच्छा, चुनाव हुआ है दलों के आधार पर, राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर, कुछ लोकल मुद्दे होता है। आज देश की स्थिति ये है कि जो सोशल मीडिया देखिए, अखबार देखिए, बराबर बयान आ रहा है कि देश का संविधान खतरे में। भाई हम लोगों को संविधान से प्यार है। अच्छा। क्यों?
देश की आजादी के पहले संविधान नहीं था, तो इस देश का जो रहने वाला इंसान था जिसे गरीब गुरबा कहते हैं, उसकी दशा तो पशुओं जैसी थी। संविधान लागू होने के बाद जो पशु की स्थिति में थे, कुछ इंसान बने, कुछ नौकरी चाकरी पाए, कुछ सम्मान पाए। अब उसी संविधान को भाजपा के लोग कहते हैं कि हम 400 के पार पाएंगे तो संविधान को नष्ट कर दें। वाह भाई प्रभु जी, जिस संविधान के बल पर आप संसद में पहुंचे हो, अब आप ही का सांसद विधायक कहता 400 के पार पाएंगे तो संविधान नष्ट कर देंगे, बदल देंगे, ऐसी पार्टी को हम वोट देंगे? नहीं वोट देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। किसको वोट देंगे बता दीजिए? हम संविधान को बचाने के लिए जो अलायंस बना इंडिया गठबंधन, उसको वोट देंगे। प्रत्याशी इनके हिसाब से अच्छा है कि खराब है, ये आप चुने। हम राष्ट्रीय मुद्दे पे ये है कि हमारा संविधान बचना चाहिए। संविधान रहेगा तो हम सब लोहार कुहार भर पासी चमार मौरिया मल्ला केवट बिन ढरकार यादव खटिक सुनार का अधिकार रह जाएगा। नहीं, जैसे संविधान नष्ट होगा, जैसे पहले रहे वैसे फिर हो जाएंगे। तो हमको संविधान बचाना है। प्रत्याशी कोई होगा हम उसको वोट देंगे, इंडिया गठबंधन को देंगे, जिस मोहर जिस सिंबल से होगा उसको वोट देंगे। चलिए इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, क्या कहेंगे आप? यस सर, हम इंडिया गठबंधन को इसलिए वोट देंगे क्योंकि हम एलएलबी के स्टूडेंट हैं। इस बार संविधान की लड़ाई है, जैसा आप देख सकते हैं सूरत में, सूरत तो अभी झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। अच्छा, क्योंकि सूरत में आप लोग जानते ही हैं, जैसे विपक्षी पार्टियों का पर्चा रद्द करवाकर वो निर्विरोध चुनाव जीत गए। गलती करोगे तो रद्द हो ही जाएगा ना? क्या गलती, 8 पर्ची वापस लिया गया है, 8 लोगों गलती की थे, एक दो लोग गलती किए होंगे, 3-4 लोग। चुनाव आयोग देखना, वो चुनाव आयोग काम है, चुनाव आयोग का काम है, तो चुनाव आयोग भी उनके है, ईडी भी उनके है, सीबीआई भी उनके है। किसी पर विश्वास नहीं है? किसी पर विश्वास? किस पर विश्वास? आप लोग पे विश्वास नहीं है, मीडिया भी उनके है। अच्छा, चलिए हम पे विश्वास नहीं। देश के चारों स्तंभ है, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका मीडिया, चारों स्तंभ उन्हीं का है। ठीक है, आज देख लीजिए, मतलब स्वतंत्र संस्थाओं को भी आपने सरकार के बता दिया। अरे भैया क्या नाम, आप तक अभी तक क्या देख रहे हैं? मीडिया में देख रहे हैं? मीडिया में क्या हो रहा है? मोदी छोटी सी रैली भी कहीं जा रहे हैं तो उनका फोटो बार बार आ रहा है। विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता को बता दीजिए आप, उनको जो लाया हो। अभी देख लिया तेजस्वी यादव ने सरकार बनाया था, क्या नाम, 1,00,000 से ज्यादा वैकेंसी देकर दिखाया है। और ये यूपी में देख लीजिए क्या हो रहा है, वही तेजस्वी यादव के मंत्री, शिक्षा मंत्री को नीतीश कुमार जी ने ये क्या क्या हटा दिया था कि ये काम नहीं करते चंद्रशेखर राव, उसकी जानकारी आप देखिए क्या नाम है, ये नीतीश सरकार में थे उस समय उन्होंने हटा दिया था, ये जानकारी। नीतीश कुमार जो है वो पलटू चाचा है, वो कभी भी इधर पलट जाते हैं, कभी भी उधर पलट जाते हैं, तो उनको ले लोग क्यों फिर हाथ मिला लेते हैं? वो पलटू चाचा है तो लालू यादव जी बीजेपी। अब इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि वो अपना खुद से लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। अभी जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ वहाँ इंडिया गठबंधन क्या नाम है विजय प्राप्त कर रही है। अच्छा, 28 सीटों का क्या नाम है केरल में हुआ, 28 भी आ रही है। मैं निवेदन करेंगे, जितनी बातें कर रहे हैं हम आपको बहुत अच्छा मान लिए भैया, आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम इस विशेष पर कह रहे हैं, हमारा मीडिया कभी किसी के प्रति, हम मीडिया वालों को हम नमन करते हैं, आज यही मीडिया जो है, आज जो है बिहार में जो है, उन बच्चों को पहले सोचिए जेल में डाला गया, उनके प्रत्येक में आपने क्या सोचे, क्या कहना है आपके, सच्चाई देने पर उनको तमाचा मारा जाए? बता दिया कि मीडिया स्वतंत्र है, उन्होंने कहा मीडिया और न्याय पर सब कब्जे में है। देखिए किसी से कुछ छुपा नहीं है। अच्छा, जो लोग मीडिया देख रहे हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि जो है इस सरकार ने सारा धन बल सत्ता शासन का ताकत लगा के मीडिया को अपने पाले में जो है कर लिया, और मीडिया स्वतंत्र नहीं है, सब जान गए, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। सब जान गए। इधर आइए। अखिलेश यादव की सरकार में सब युवाओं को लैपटॉप दिया गया था, और फिर उसके बाद वो आया था स्कॉलरशिप आया करता था, इस बार स्कॉलरशिप किसी का नहीं आया है, बैकवर्ड का किसी का नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड लोग का आ रहा है। अच्छा, मतलब इसमें भी जातिगत देख कर क्या नाम है स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। अखिलेश यादव सरकार थे, किसी को ना देखकर क्या नाम लैपटॉप दिए, ना कोई जाति देखकर, ना कोई धर्म देखकर, सबको एक समान क्या नाम है मतलब लैपटॉप बांटे, जो भी सुविधा लाते थे सबको एक समान देते थे, सड़क बनाए थे सबको एक समान के लिए बनाए थे, उसमें कोई जाति धर्म नहीं था। आज का सिर्फ बीजेपी का फंडा यही है, धर्म के मुद्दे पर लड़ो, जाति के मुद्दे पर लड़ो, इनको कैसे तोड़ो मरोड़ो और राज करो।
तोड़ मरोड़ो संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। कुछ लोगों का कहना है कि सब कुछ न्यायपालिका, डीसीबीआई सब मतलब एक सरकार के सारे पे काम कर रही है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए, आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।